मासी मेकअप देख रहे हैं आजकल भाई, ये तो पेनफुल होता है सच में। सेक्शन में लोग बताएंगे किसका ज्यादा सुंदर है। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुव अंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी हम तैयार है और निकल रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वीकेंड में कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, और एक कड़ी भी छोड़ी थी कि मासी के साथ वो प्लान है, तो फाइनली वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी वो चीज़ करने की सोच रहा हूँ। तो सब कुछ जानने के लिए व्लॉग के एंड तक बने रहे, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हेलो अंजना, कैसी हो? बढ़िया। आज तो रेड पहन के जा रही है। आज के प्लान में आप एक्साइटेड हो थोड़ा? प्लान तो नहीं, मतलब आप और मासी आज कुछ स्पेशल करने वाले हो, तो कल ही प्लान हुआ था वो यहाँ पे, तो आपको भी आ गया जो पता चलेगा। मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा तो ये। वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अभी ये दोनों करने जा रहे हैं। अभी हम बताएंगे कि थोड़ा सा आगे चल के बताए, पहले निकल लेते हैं, क्योंकि गाइस हम हो रहे हैं लेट, तो इसलिए हमें निकलना पड़ेगा टाइम से। हम ऑलरेडी मतलब ना 10 मिनट लेट है, तो चलते हैं अभी मासी को पिक करते हैं रोनी भैया की सोसाइटी से। आज तो भाई थोड़ा से बादल है, आज तो मौसम हल्के हल्के बादल है, अब आज ही हो जाए भगवान करे। बादल तो कह रहे हैं, आज गर्मी भी नहीं है उतनी, है ना? हाँ, आज नहीं है उतनी जितनी पिछले कल थी ना। शिमला में पक्का बारिश हो रही है। हाँ, पहाड़ों में तो हो रही होगी। और आज अपनी गाड़ी बहुत दिनों बाद निकल रही है, पिछले कल तो हम कहीं निकले नहीं, उससे पिछले कल भी हम शायद नहीं निकले थे। हर जगह माता जी के कहीं जगराता है, भजन है, मतलब हाँ, पिछले रात भी जगराता था कहीं। और यहाँ पे देखो ना, पीछे कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। हाँ, सही बात। सातों आठ हमने भी नवरात्रों के लिए की होगी ये। हाँ, सातों आठवां नवरात्रा जैसे अच्छे से सेलिब्रेट करते है ना। हाँ। वैसे आज बैसाखी है, बैसाखी है ना। हैप्पी बैसाखी गाइस। हमारे पहाड़ों में साजी बोलते हैं और ऐसे बैसाखी बोलते हैं। हाँ, तो साजी में सब ऐसे होते हैं कि अपने कुलिष्ट देवी देवता के वहाँ दर्शन करने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं। हमने हमारा भी प्लान था मनसा देवी जाने का, बट आज बहुत ज्यादा क्राउड होता है मनसा देवी में, तो हम जाएंगे एक दो दिन में सोच रहे हैं। तो बस यहाँ से निकलते, देखो मेरे थोड़े पसीने पड़े, क्योंकि गाड़ी तो गर्म ही होती है ओवरऑल। फिर भी तभी निकलते हैं, मासी को भी पिक करते हैं रोनिका की सोसाइटी से कल रात, और फिर प्लान डिस्कस करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, क्या करने जाना है। इन्होंने प्लान डिस्कस कर लिया है गाइस कल रात को ही दोनों ने। तब ये है ना कि मैं और मासी सेम टाइम पे करवाने का सोच रहे थे, ये कोइंसिडेंस हो गया। पहुँच चुके हैं। हाँ जी, देखो बस 5 मिनट का रास्ता है बस अपने घर से ना। तो मासी को फोन तो कर दिया था, मासी बोलते है कि वो भी रेडी है, तो शायद वो भी आ ही जाएगी। मुझे आ गए होंगे, नहीं आए बाकी बाहर उतरते तो बाहर उतर के हम बता भी देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखेगी। हम भी पैदल आते हैं मासी, ऐसा नहीं है। क्या बात है, आज तो मासी ने बढ़िया मैचिंग पहनी है ऊपर से नीचे तक। देखिए बादल कैसे आ रहे हैं। आज मौसम ठीक है ना? आज मासी मेरा और आपका कुछ स्पेशल दिन है। आज हमने क्या करवाना है बताई दो आप। अभी कंफर्म नहीं है। चलो भाई, मासी रखना चाह रहे हैं इसको सस्पेंस। हम कंटिन्यू रखेंगे थोड़ा सा और VIP रोड जाएंगे। एक नई चीज देखन जो सामने खुल गया है रास्ता, अब हमें इतना लंबा यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ अच्छी होगी, नया नया हमें हैक मिल गया। पर ये है कि यहाँ पे लाइटें होनी चाहिए अब, तो इस हिसाब से यहाँ से निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, पहले भी आए हम यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा रिवील कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ और मासी भी सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे टैटू और यहीं से बनवाएंगे। मासी को थोड़ा डर लग रहा है कि कैसा होगा क्या होगा, तो पहले मैं ले लूँगा वो नीडल्स, ठीक नहीं है? पहले मैं बना लूंगा, उसके बाद आप बना लेना अगर मूड का रहा। और हमारा टैटू सिमिलर भी हो सकता है, कुछ ऐसा उम्मीद आ रही है। चलो फिर देखते हैं जरा कैसा रहता एक्सपीरियंस। डर तो लग रहा है टैटू बनाने से, बट कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। मैंने तो चूज कर रखा है कि मैं कौन सा करवाऊंगा, पर मासी का भी चूज हो रहा है, तो देखते हैं बाकी मेरा कैसा रहेगा वो तो एंड रिजल्ट आपको एंड में दिखाऊंगा मैं और क्या आइडिया है। पर एक चीज़ है कि डर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ मैं टैटू, जैसे पियर्सिंग करवाई थी फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा टैटू भी फर्स्ट टाइम करवा ही देते हैं। तू भी कोई आइडिया दे, तूने दो दो टैटू बनाए हैं। फर्स्ट टाइम बना रहा हूं ना, छोटा बनाऊं क्योंकि पेन होगी ना फिर बाद।
पेन होगी? नहीं होती तो नहीं है, तो छोटा बनाऊंगी। हाँ फर्श तो छोटा ही रखेगी जितना हो पाए। छोटा है, अभी छोटा बनाऊंगी। नहीं मेरे को तो पसंद है अपना। तो भाई यहाँ पे मैं टैटू बनाने का सोच रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे मेरा ये यहाँ से थोड़े बहुत बाल निकाले जा रहे हैं। रंजीत जी पर मेरे को निकालने तो सारे पड़ेंगे फिर, है ना भाई? ये तो भाई पंगा हो जाएगा। अभी वहाँ दुविधा चलेगी कौन सा टैटू चूज करे। देखते हैं पहले कैसा बनता है, फिर कॉन्फिडेंस है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ अगर आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है 45 में तभी करना अभी, ताकि मेरे को कम बैठा। देखने में लगा लिए 1.5 घंटे डिजाइन फाइनल करने में। भाई ये तो पेनफुल होता है सच में। है भाई पेन तो हो रहा है, जैसे पेन से नहीं लिख तो खून तो निकलेगा। ऐसा तो मैंने कभी करवाया नहीं होता मासी, जैसे पेन को जोर से दबाओ ना उतना दर्द होता है, जोर जोर से गाड़ना वैसे तो स्किन पे गड़ता है, बट अगर थोड़ा जल्दी प्रोसेस होता तो मासी भी बना लेते, बट 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं ना, इतना टाइम नहीं दे सकते। नहीं नहीं अब टाइम ज़्यादा हो गया ना, नींद आने वाली थी इससे छकाव भी आ गई, पता नहीं कब तक आएगा सच। थैंक यू। टैटू करना है इन द इंटरव्यू, अभी बस प्रोसेस वगैरह थोड़ा दिखा देंगे कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। हिमाचल से मासी ये बनाएगा क्यों नहीं? हिमाचल से सोलन से है जी। ओ तभी बनाया। अच्छा तो हिमाचल का बंदे बना रहा है। हाँ भाई हिमाचल में बात तो है, कुछ कुछ तो बात है हिमाचल में। हाँ हिमाचल की मिट्टी में बड़ा टैलेंट है। आ गया मेरा टैटू देखने के बाद शायद आ रहा है। मासी कर लो कुछ नहीं है। डिजाइन का यूज कर। हाँ तो आपने क्या करना? सुंदर दिखाना एक मिनट। वाह भैया का टैटू बहुत मस्त बना है देखो पूरा। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? लगे होंगे 5-6 घंटे। 5-6 घंटे आराम आराम से आराम बीच में टाइम। आपका बन गया? लास्ट बचा है। लास्ट बचा है। हैं मासी को डर लग रहा है बार बार पूछ रहे हैं। हाँ बटन को डर लग रहा है कि पेन कितनी होगी। मैंने बोला मासी हो जाएगा सब। पिछले दिन हो रहा था, अभी तो थोड़ा सा रहा तो फिर थोड़ा ऐसे ऐसे हटके देंगे। हाँ यार जल्दी करो थोड़ा। लो वाह फाइनली जी टैटू इज डन। डन और सुंदर बना है। कुलेनाथ का नाम माता रानी का भी है इसमें, तो ये अपना फर्स्ट टैटू है। ये डॉट डॉट वहाँ पे ऊपर वाले में कम कर रहे हैं? इतने ही है, इतने ही है। हाँ इन्फिनिटी का सिंबल है ना। ओके 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 डन 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 मस्त है। बहुत प्यारा मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब भाई ने जो टैटू बनाया ना, मतलब मेरा फर्स्ट टैटू है और फर्स्ट टैटू में मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। बहुत ही क्लीन बना और जैसा मैंने दिखाया था डिट्टो वैसा बना। और क्योंकि पहले टैटू में सबको डर लगता है बेसिकली। हाँ। ये पता नहीं होता ना कि कैसा डर के नाम पे बोले तो मासी अभी तक मैं क्या बोलो पहले टैटू में सबको डर लगता है डर का नाम, मतलब मासी को अभी तक डिसाइड ही नहीं हो रहा है। आपकी बारी हो गया। हाँ दिखाओ देखो बस अभी थोड़ा सा ये सूख जाए ना साफ करेंगे।
कैसा लगा टैटू? तभी आपका मूड बन गया मेरा देखो तो सही है क्या? पर बहुत मजेदार टैटू बना है, काफी अच्छा है। डालो मत, हम आपके साथ ही बैठे हुए। हम मासी का टैटू का डिजाइन दूसरा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अंजू का तो नहीं लगा मैंने एक टैटू बना। अरे हो जाएगा, स्टार्टिंग में दर्द होगी थोड़ी, वो भी ऊपरली साइड, यहाँ पे जहाँ त्रिशूल बना ना मेरा, वरना बाकी दर्द नहीं है। बाकी अब मैं कैमरा जब भी पकड़ूंगा तो ऐसे दिखेगा मेरा टैटू। मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। भाई क्या नाम है आपका? अंश। तो अंश भाई अपने सोलन से काफ़ी अच्छा टैटू बनाया भाई, मज़ेदार जी। मासी फिर रेडी लगा लो, लगा लो सनग्लासेस, लगा लो सनग्लासेस के साथ रील अच्छी बनेगी। हाँ बीच में ऐसे कर दिया फिर वैसे कर दिया, दोनों स्टाइल रहेगा ना इन द एंड के लिए। में बना रहे हो? हाँ ठीक है, राइट राइट ठीक। आप लेफ्ट में पहनते हो? ठीक है ठीक है, यहीं बनाओ, बढ़िया है। क्योंकि राइट आप काम भी करते हो ना आप, उस हिसाब से थोड़ा फेड होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इनका भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। लग तो अच्छा रहा है वैसे, इसे छोटा ना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जो डिज़ाइन किया है चूज उस पर हम चर्चा करते हैं, आपको बैंड में दिखाएगी कि क्या है डिज़ाइन। नहीं होगा नहीं होगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। आपको मिलना नहीं है साथ में, अब तो बस ये तो दर्द, एक उसमें तो दर्द होता है। हाँ डरने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डर लगता है स्टार्टिंग में, जो नए नए करवाते हैं ना उनके लिए। नीचे जाके आ रहा हूँ मैं, अपना ना चश्मा चेंज कर लेता हूँ। देखो भाई साहब कब के निकले हम, और इवनिंग हो गई है पूरी, तो मैंने सोचा कि भाई अपना चश्मा चेंज कर लेता जब तक मासी ने अपना टैटू बनाना है। तो टैटू मेरा तो काफ़ी अच्छा बना है, मासी का, मासी ने भी जो चूज किया वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात की खुशी है कि आज नवरात्रि भी है, साथ में साजी भी है, मीनिंगफुल टैटू मैंने मुझे सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो भी फर्स्ट टैटू बनाऊँगा भगवान के नाम पर बनाऊँगा, तो वही बनाया है। ये लड़की सुन नहीं रही कब से। अंजना अंजना क्या वहाँ चलते है, आ जा। मैं बोल रहा था वहाँ पे ना बेकरी थी। बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, थोड़ा सा टूर दे देता हूँ मैं यहाँ का, काफ़ी अच्छा सेटअप है। बेचारी ने नींद लगा ली है, 3-4 घंटे से बैठी है, इसको उठाते थोड़ा। हेलो, काफ़ी नींद आ रही है, बस हो गया ऑलमोस्ट, थक तो जाते हैं वैसे, सही बात है। आई कैन रियलाइज एक टैटू फिर भी ठीक है, दूसरे टैटू दोनों एक साथ हो जाता ना शुरू, तो सही रहना था, पर कोई नहीं, पर 90% तो हो गया है। चलो Finally, it's now time to reveal the tattoo. क्या बात है। Finally, एक tattoo बनकर और बहुत ही सुंदर tattoo बना है। Seriously, बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर। Pain खत्म हुई आपको? अभी बस शीशा देखो। आपको लग रहा है pain करने वाला? नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। दर्द तो चलो होती है। अब कुछ अच्छा पाने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा,
चल भाई, मैंने कहा तेरे को बड़ी हो रही है तो चल चल, हम तो एक बार तुम्हारा हो गया था, मैंने कहा नहीं चले तभी तो मैंने पहले वो लगा। और जब मैंने तेरा बनवा देखा यार बहुत सुंदर था, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा बना रहे, मैंने कहा चलो चलो अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं इसको एक बार फिर से क्लीन करके फिर बैंडेज कर दी। ब्लैडर खोलने का टाइम हो गया है, मेरा हो गया 2 घंटे। एक सेकंड रुक जाओ, हम दोनों की फोटो भी सकते एक साथ टैटू के साथ। दिखाओ माँ बेटा अपने टैटू। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड पेश किए जा रहे हैं आपके सामने। बट लाइट आ रही है, सेक्शन में लोग बताएंगे किसका ज्यादा सुंदर है, पर दोनों का भगवान कर दो, दोनों सुंदर बोलना। नहीं नहीं, और हमारे जो आर्टिस्ट है वो ये है भाई। तो अगर अंश, तो अगर कोई बढ़िया, तो अगर कोई बनाना चाहे तो अगर हमारा रेफरेंस दोगे तो मैम आप डिस्काउंट दे देना थोड़ा बहुत। हाँ हमारी रेफरेंस पेशेंट से काम करते हैं और आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, तो एक बार विजिट जरूर करें। और ऐसा फीलिंग होगा आपको कि आप कहीं किसी ऐसे अजनबी के पास, ऐसे लगेगा कि अपने परिवार के बंदे, फ्रेंडली मिलेगा पूरा माहौल, सबसे अच्छी बात, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। तो आपको थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बनाया आपने टैटू, मतलब मासी का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था पर इनका भी आपने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। एक बार आप अपना कार्ड दिखा दो, कार्ड है आपके पास हर कोई विजिट करना चाहे हमारी रेफरेंस में। वाह यार कार्ड बड़ा सुंदर है, नाइस लोगो, हमने खुद ही डिजाइन किया है। और ये कार्ड है सबरीना, मेरा ही नाम है तो मैंने अपने नाम पे रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिविंग इंक का मतलब है क्योंकि ये इंक आपके साथ ही जीने वाली है। हाँ, लिविंग इंक, सबरीनाज लिविंग इंक। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई मेरे को तो। और अच्छा भी लगा, बहुत मेहनत किया क्योंकि देखो हमारा काम ऑलमोस्ट डॉक्टर जैसा होता है, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जो आपकी स्किन खराब कर दे, हम कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जो खराब हो जाए और फिर बाद में जाके कोई आपको बोले कि यार ये क्या खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, और हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है, हाइजीन का तो पूरा ध्यान था यहाँ पे हमारे स्टूडियो में, हम इंटरनेशनल लेवल ऑफ हाइजीन मेंटेन करते हैं हर चीज, हर प्रोडक्ट। आपके सामने मेरे कुछ प्रोडक्ट आए थे वो स्टरलाइजेशन के ही डॉक्टर यूज करते हैं, तो रिस्क नहीं हम लेते। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे हम आ भी सकते हैं। तो एक बार एक क्लाइंट का कुछ ऐसे सीन हुआ था, उन्होंने मेरे को बोला कि रात का टाइम था, तो मैंने कहा चाहे आप मेरे को आधी रात को कॉल करो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई चक्कर नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है भाई, थैंक यू, ओके मैम, बाय जी, गुड नाइट, गुड नाइट। तो गाइज हमने डिसाइड करा कि एक काम करते कि वही ढाबा के बाहर ही खा लेंगे, डिनर करेंगे, रोनी भी अभी आई है, चलते अंदर खाते पीते हैं कुछ। टैटू कैसे लगे हमारे, पहले तो ये बताओ, पहले तो हेलो हेलो करो, हेलो हो गया टैटू, कैसा लग रहा है? ज़्यादा छोटा नहीं बनवा छोटा, मेरा फर्स्ट माइक्रो मेरे नहीं हो गया, जानबूझ के छोटा बनाया मैंने तो, मासी का गलती से बड़ा हो गया। डिनर आ चुका है जी अपना, अभी और भी थी 2-3 चीजें कम है इसमें, एक दो चीज टोमेटो, हाँ चीज टोमेटो। हाँ जी मैम, फिर कैसा रहा डिनर? तो गाइस बढ़िया, डिनर करने के बाद अब चाहेंगे हम रोनी भैया के घर, कि रोनी भैया बोल रहे कि 2 दिन से मैं ही आ रहा हूँ तो इस बार तुम चलो घर में, का चलो ठीक है चल पड़ते हैं, थोड़ा मासी के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मासी ने चले जाना है शिमला। अरे देखियो कैसी खतरनाक सी बनाई है, रूबीकॉन है अंजू, ये क्या बात है भाई, बहुत ही सुंदर गाड़ी बनी है यार, मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया, मस्त गाड़ी है यार, है ना। आज का दिन मेरे लिए तो ऐसे था कि पहले ये तो होता है यार, अंजू ने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया, सीरियसली नहीं बैठा जाता भाई 6 घंटे तक आपको बिना किसी काम के बैठना, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइज हम रोनी भैया के घर पहुंच गए, और जी रोनी भैया कैसा लगा टैटू वैसे हमारा? पक्का 100% मासी सेटिस्फाइड हो टैटू से? बिल्कुल, फुली ना, फुली। बस फिर ठीक है, तो एक बार आखिरी बार मैं भी दिखा देता हूँ, अभी तक कुछ ऐसा है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ वैसे टैटू से, और आज का दिन पूरा टैटू में ही निकल गया, मतलब कोई 6 घंटे हम टैटू बना रहे थे,
हाँ तो भाई इसने बीच में नींद भी लगा ली तो ऑब्वियसली जो जिस बीच में लगा दी थी। बट एनीवे गाइस अब थोड़ी बातें वगैरह करते हैं और मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। देखते रहे ध्रुव अंजना ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।